इस खूबसूरत से मंजर में हम निकले हैं अपनी किताब लिखने। इस खूबसूरत से मंजर में हम निकले हैं अपनी किताब लिखने। जिस हम सफ़र के घर से कुछ दुआएं लिख आए, जिस हम सफ़र के घर से कुछ दुआएं लिख आए, वही हम सफ़र हम अपने साथ ले आए, वही हम सफ़र हम अपने साथ ले आए। तो यहाँ पर टेंट के देखो कालीन वगैरह नीचे बिछाते हैं, टेंट वगैरह तो अभी फ़िलहाल भाई बैठेंगे लेडीज़ वगैरह यहाँ पे लगाएंगे। अभी यहाँ से टेंट वगैरह तो खूबसूरत वगैरह तो था ही, शाम को पिछली वीडियो में देख दिया होगा। तो अभी फ़िलहाल तो ये जो प्यारा सा टेंट यहाँ पे जो लग रहा है, अभी सेटिंग वगैरह कर रहे हैं, सारे काम पे लगे हुए हैं, मैं भी लगा हुआ था। तो वेलकम करते हैं अगेन, आज शादी का दिन है तो इस ब्लॉग में, तो उम्मीद है कि आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करोगे। तो इस प्यार से ब्लॉग में आपका स्वागत करते हैं, तो बस जुड़े रहो हमारे साथ। अभी तो हम ये फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस ये जो ब्लॉग है आज देखते हैं आज का दिन कैसा गुजरता है, कैसे कैसे काम करते हैं, तो देखते हैं। तो बने रहना हमारा, जुड़े रहना हमारे साथ, बस इसी तरह प्यारे भरे शॉट के साथ मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। बारिश की वजह से सारा माहौल ख़राब हो चुका है, अभी त्रिपालम लगा रहे हैं, उस साइड से सारा पानी जमा हो रहा है, वहाँ से मिट्टी डाल दी, सब कुछ पानी रोकने के लिए बहुत ये कर रहे हैं ना, तशद्दुद कर रहे हैं कि कैसे पानी रोकेंगे। बारिश आना शादी में बहुत ज़्यादा बड़ी मुसीबत होती है, तो ये चीज़ क्या बोलें यार, अब शादी में ये चीज़ होना ना, कभी अब ये है था। और जब ऐसी जगहों पे जब मतलब होना, ये बुरी वगैरह जो है यहाँ पर जब आजमान वगैरह चल रहा होता है, ये साथ में बारिश पड़ जाए वो भी बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती है। अभी खाना खाने का टाइम था तो अचानक से बारिश तेज़ लग गई, तो अभी त्रिपाल डाल रहे हैं, हमारे राशिक साहब लगे हुए हैं बेचारे त्रिपाल डालने में, पर कुछ नहीं है, यहाँ पर पकड़ के त्रिपाल में, तो कब अच्छे से लग जाएगा तो बारिश वगैरह अच्छे से हो जाएगी, रुक जाएगी यहाँ से सारा कुछ सिस्टम, क्योंकि यहीं से सारा कुछ सिस्टम हो रहा है, यहाँ से आएगा खाना वगैरह शिफ्ट होगा, उधर से ट्रांसफ़र करना है, तो इसीलिए यहाँ पे त्रिपाल बांध रहे हैं। तो फिलहाल जुड़े रहो हमारे साथ, अभी और कुछ होगा तो सब कुछ शेयर करेंगे आपके साथ, मज़े से बढ़िया से अच्छे से। तो अभी ये सिस्टम चल रहा है, एक्चुअली क्या है कि ये जाना है इन्होंने अभी एक कब्रिस्तान पे, मतलब अस्थाने या ज़ियारत वगैरह पे जाएंगे, वहाँ पे दुआ मांगेंगे, दूल्हा वगैरह जा रहा है, तो उसी के नज़म वगैरह चल रहा है, मैं वेट कर रहा हूँ कब, मैं एक्चुअली स्कूटी वेट कर रहा हूँ, मुझे बाहर जाना था, गाड़ी वगैरह तो धोने के लिए भेजी हुई है, तभी देखते हैं अभी वहाँ से दुआ मांग वगैरह आएंगे तो बस उसके बाद बाकी चीज़ें होंगी। तो फिलहाल अभी बाहर जाने का वेट कर रहे हैं, कब फ्री होंगे। तो अभी यहाँ पे है जो है, अभी फैमिली मेम्बर है जो दूल्हे को हारे वगैरह पहनाते हैं, ये तो आम बात है, ये तो आम हर किसी में होता है, लेकिन यहाँ पे अलग ही तरीके का होता है, गाते भी हैं साथ में, तो उसके बाद हारे पहनाते हैं, जिसको पहनानी होगी तो वो चीज़ें होती हैं यहाँ पे। अभी हमें भी तैयार होना है, उसके बाद अभी दूल्हे को भी तैयार करना है, तैयार करते हैं, अब रेडी शेडी निकलते हैं अभी रेडी होने के। यहाँ पर अभी जो है दूल्हा रेडी हो रहा है, रेडी हो रहे हैं, अभी तैयार कर रहे हैं इसको, सो अभी फिलहाल रखेंगे 5 मिनट, तो देखते हैं यहाँ पर रेडी होता है, तो अभी तैयार शेयर करते हैं इसको, तो चले वेट करते हैं अभी। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं बारात के साथ, अभी मैं तैयार रेडी वगैरह तो हो गया, अंदर दूल्हा भी आपने देखो, अंदर इतनी ह्यूमिडिटी हो रही है, इतना ह्यूमिडिटी हो रही है ना कि मतलब आपके साथ मैं शेयर ही नहीं कर सकता। सो अभी ये चीज़ मैं आपके साथ बता रहा हूँ कि अभी हम जा रहे हैं कि रात के 10:30 बजे तक बारात के साथ, 11 बजे यहाँ ऐसा ही नज़म होता है कि रात के टाइम बारात के साथ जाते हैं, और सुबह 3 बजे 1 बजे 2 बजे तक वापस आती है दुल्हन, तो बहुत ज़्यादा लेट का होता है ये सिस्टम। सभी मेरी लुक कैसी कुछ है तो कैसे मतलब ये पता नहीं, तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में आपसे, निकलती है थोड़ी देर में बारात, तुम दिखाता हूँ आपको, फिर मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए।
अभी गाइस हम अपनी बारात वगैरह में यहाँ पर पहुँच चुके, ज़्यादा दूर जाना नहीं था। अभी यहाँ पे आप एंट्री देख रहे हो कि कितनी प्यारी रखी हुई है एंट्री, और ऊपर ये देख रहे हो सजे हुए फूल, बहुत प्यारी रखी हुई एंट्री। तो अभी यहाँ पे ये चल रहा है कि मतलब जो दुल्हन के घर वाले हैं, कुछ फैमिली मेम्बर हैं, वो जो है दूल्हे को हारे पहनाएंगे, और ये फैमिली मेम्बर का नज़म अभी चलेगा कुछ टाइम तक। अब ये नहीं पता कि कहाँ पर बिठाने वाले हैं। वैसे मुझे एंट्री तो बहुत ज़्यादा प्यारी लगी, तो आपने पीछे वगैरह देखा ही होगा कि कितनी प्यारी एंट्री थी, वो दिखाई थी मैं। तो अभी यहाँ पे चीज़ें होंगी, तो उसके बाद देखते हैं कहाँ पर बिठाएंगे। बस इसी तरह बने रहो, आप जुड़े रहो हमारे साथ प्यारे से ब्लॉग में। तो आप बस देखते जाओ, और तब तक के लिए लाइक कमेंट और प्यारा सा एक कमेंट कर दो। तो ये दूल्हे को आप देखो ऐसे, तो ठीक है भाई। तो अभी ये नज़म चल रहा है, तो देखते हैं कब तक चलता है, बस बने रहे ये हमारे साथ। सो गाइस पहुंच गए अभी। सो यहाँ पे दूल्हे को देखो यार, पहले शूज़ निकाल रहे हैं खुद ही वहाँ से, जो दूल्हा भी खुद ही निकाल रहा है। भाई ये क्या देख रहा हूँ मैं। सो अभी फिलहाल अभी चल रहे हैं दूल्हे के जहाँ पर हमें बिठाना था वहाँ पर। अभी आप ये देखो, ये नज़र मारो दूल्हे की, जो पीछे सजाया हुआ है, ये कितना प्यारा सजाया हुआ है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा सजाया हुआ। और मैंने टेंट की तरफ अभी आपको दिखाया है, जो यहाँ के टेंट और वहाँ के टेंट फर्क, तो यहाँ का टेंट दिखाऊंगा अभी कि कितना प्यारा लग रहा है। पहले आप दूल्हे को देख लो, और दूल्हा यहाँ पर बिठाया हुआ है तो ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारी लुक में जी। आप यहाँ पे टेंट देखो आप, कितना प्यारा लगा हुआ है यार। आपको ये लुक दिखाऊंगा ना मैं, ये सारी ऊपर आप देखो, झूमर दो सेंटर में, झूमर उस साइड, झूमर उसके बाद झूमर, वो दूल्हा बैठा हुआ है दूल्हे की सीटिंग। और ये जो झूमर है, कम से कम इसका किराया ना कम से कम 1.5 लाख तो लिया ही होगा, 1-2 लाख तक तो होगा ही इसका रेंट भाई। हैवी टेंट है भाई, हमारे वहाँ इतना बियर कब कर पाएंगे। अभी यहाँ पर ऐसी खतरनाक वैरायटी आ गई, मैं भी परेशान हो गया। पैकिंग आप देख रहे हो ना इसकी, कितनी खतरनाक है, और इसको देख के पैकिंग आप सारू को मिल रही है। ये भाई कश्मीर की शादी खाना और निभाना बहुत टफ है, और ये चीज़ें बहुत मुश्किल है भाई। हर डब्बा ही देख लो ना, ये कितना हैवी डब्बा है, और स्टफ जो वेलवेट की, वेलवेटिंग बाहर से, देखिए अंदर से क्या क्या मिलता है। मुझे नहीं पता इधर का क्या क्या हिसाब किताब है, लेकिन अब देख देख के करना पड़ेगा। फिलहाल मैं इसको ओपन करता हूँ। ए भाई एप्पल ग्रीन का कैन विद टॉफीज, ये आगे फ्रूट स्वीट्स एंड कैशोज और बादाम वगैरह पिस्ता। फिलहाल तो पूरा कुछ नहीं, यही टेस्ट करेंगे अभी से। डिश यहाँ पे आ चुकी है पेस्ट्री भाई, पहले इतना खाने के लिए मिल जाएगा, बाद में क्या खाना है हमें। हाँ अभी पेस्ट्री भी टेस्ट करेंगे, सम मैजिकल डिज़ाइन एंड सम मैजिकल मोमेंट यहाँ पे हो रहे हैं मेरे साथ, और मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या होने वाला है अभी। तो फिलहाल अभी देखते हैं कि क्या होता है। मुझे इधर बहुत हेजिटेशन हो रही है व्लॉग करने में भी, बहुत मुश्किल से कर रहा हूँ। तो इस हेजिटेशन के लिए एक लाइक तो बनता है यार। यहाँ पर हमारे पास प्लेट पर हो चुकी, मैं अब देखता हूँ कि फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ इसके अंदर क्या होगा, क्या चीज़ होती है, अभी कोई पता नहीं है। फिलहाल अभी भाई उठा रहे हैं। ओ भाई आप देख रहे हो इसको, मतलब ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है। आप अगर मुंह में पानी आ रहा है उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, बट दिस इज़ सो डिलीशियस। यहाँ पे एक चीज़ होती है, ये नज़म वगैरह होता है कि यहाँ पे जो ऊपर से चिकन मीट वगैरह होता है सारा पैक करके अपने घर लेना होता है, पर्सनल अपना ही होता है सारा कुछ, और इस चीज़ का पता नहीं है अभी मुझे। जैसे आप, मुझे पता नहीं है कुछ भी। तो भाई ये चीज़ होती है यहाँ पे के ले जाते हैं, तो खा नहीं सकते, ये इतना ज़्यादा हैवी होता है, तो खाने से इसके बाद और कुछ भी खाने के लिए आ सकता है। सो अभी देखते जाओ आप। This is a pulao.
with badams, cashews. What type of pulao that is? फिनिश होने के बाद वहाँ से एक ट्रे दी जाती है जिसमें सौंफ होता है, बार बन चॉकलेट होती है, कुछ सोप पैकेट होता है और टॉवल कुछ हैंड साफ करने के लिए होती हैं। तो ये कितना खूबसूरत है यार, यहाँ पे यार सब कुछ हमारे दूल्हे साहब की लुक आपको कितनी प्यारी लग रही है। सॉरी बिलाल, फिलहाल जाने की तैयारी हो रही है। सुनिए आप देखोगे ना, मैंने इतना सामान, बैग तो इनके वो है लेकिन जो बाकी ये दो चीज़ें मैंने उठाई है ना, आप खुद सोचो यार कि मतलब कितना कुछ मैंने उठाया, मतलब कितना कुछ मिलता है शादी में। सो फिलहाल अभी एक अपने भाई सो फाइनली गाइज अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से दुल्हन वगैरह लेके। तो अभी ये है कि रात के बज रहे हैं इस टाइम, 1-1.5 बज रहे हैं ऐसे कुछ, इस टाइम हम निकल रहे हैं यहाँ से सो दुल्हन लेके। सो प्यारी प्यारी चीज़ें तो आप ऊपर से देख ही रहे हो, प्यार कितना लग रहा है। सो बाकी अब चलते हैं बाकी के लिए, तो देखते हैं क्या नज़र रहता है, बाकी चीज़ें भी क्या होती हैं, आगे भी कुछ पता नहीं है। तो जो चीज़ें होंगी वो आपसे शेयर करूँगा, बाकी तो आपको पता ही है, जितना अभी तक किया है, जितना देखा है, उस चीज़ के लिए लाइक एंड कमेंट कर दो। मेरे आगे आगे देखो ये भाई अब चल रहे, आधे रास्ते साथ आएंगे गाते गाते। सो गाइज दुल्हन तो आ चुकी है अब अपने घर पे, जो ससुराल अपने वहाँ हमने पहुँचा दी दुल्हन। अब रात ये बज रहे हैं 2, तो अभी देखते हैं कि क्या होता है, क्या चीज़ें होती हैं, अभी कोई पता नहीं है। बाकी यहाँ पे तो आप ये देख ही रहे हो, गा रहे हैं, तो बाकी चीज़ें यहाँ पे ये दुल्हन बिठाई हुई है, बाकी अभी क्या होगा, ये नज़म चल रहा है, ये क्या होता है, ये ट्रॉफीज़ वगैरह फेंकना, ये सब कुछ यहाँ पे कश्मीर में ये चलता रहता है। तो फिलहाल अभी देखते हैं बाकी चीज़ें क्या होती है, बस इस तरह जुड़े रहो हमारे साथ। अब क्या होगा कोई पता नहीं है, कोई इलम नहीं है। तो जा रहे हैं आप इनको देखो तब तक, तो ये चीज़ें हो रही हैं। तो चलो फिर शुक्रिया यहाँ तक देखने के लिए, तो बने रहिए हमारे साथ। सो गाइस शादी वगैरह तो ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल ही ख़त्म है। सो फाइनली अब मैं घर के लिए जा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा मतलब अपसेट से फील हो रहा है क्योंकि बहुत टाइम वहाँ पे स्पेंड किया, उन फैमिली को भी ऐसा है वो हो रहा है, फील हो रहा है सैडनेस। मैं उस टाइम व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि शादी तो ख़त्म हो ही चुकी है, फिलहाल घर के लिए जा रहे हैं हम इस टाइम पे। तो जिनको तो नहीं छोड़ रहे थे, इस टाइम बज रहे हैं 4:30 से बज रहे हैं 3:30 के बीच में, ऐसे को 4:30 से बीच में इसमें छोड़ा हमें, तो ऐसे तो फिलहाल बांध ही रखा था क्योंकि यात्रा चल रही थी। तो अभी फिलहाल चल रहे हैं घर के लिए, आप यही है कि कब पहुंचेंगे घर अच्छे से मज़े से प्यार से। तो घर में जाके मिलेंगे, शादी तो बहुत ही ज़्यादा मस्त थी। आप व्लॉग अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना। सो अगर कोई भी व्लॉग में कुछ ऐसा ऐसा होगा तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो फिलहाल अभी बाकी यही है कि जुड़े रहो हमारे साथ इस प्यारे वीडियो में, इस प्यारे से व्लॉग में, और मतलब प्यारे से व्लॉग जो हम बना रहे हैं उसमें। तो अगर कोई भी ऐसी कोई गलती वगैरह होगी होगी तो माफ़ी चाहता हूँ भाई, मेरे पास बार बार कह रहा हूँ। तो ठीक है भाई, सो चलते हैं अभी घर के लिए, आप देखते हैं कि फिर क्या होता है घर में जाके। सो कैसे घर वाले भी इंतज़ार कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, बहुत टाइम हो गया इधर, आप देखते हैं कब आते हैं कश्मीर फिर से। तो कश्मीर फिर से आने के बाद सो आपसे मिलेंगे हम, सो बस यही उम्मीद है। तो फिर से मिलेंगे हम कभी कश्मीर में, आपके प्यारी सी वादियों में। सो चलते हैं फिर आज घर के लिए, तो बस प्यार बनाए रखो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सो बाय, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं फिर प्यारी से अगली सी वीडियो में, एक प्यारे से व्लॉग के साथ आपके साथ। सो चलो फिर चलते हैं इस कश्मीर की प्यारे से प्लेस को, और प्यारे से इस मौसम को, प्यारे सी जगह को हम अलविदा कहते हैं। तो फिर अलविदा। सो अल्लाह हाफिज़।